दोस्तों सीबीएसई बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2022 के छात्रों के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी गुड न्यूज। सबसे पहले आज की वीडियो में दोस्तों आप लोग अपना डेट शीट देखने वाले हैं। आपका पेपर जो 23 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, 23 तारीख को आपका कौन सा पेपर है, 24 को कौन सा है, तो आज जो है सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में दोस्तों डेट शीट ही दिखाऊंगा। उसके बाद दोस्तों एग्जाम कैंसिलेशन को लेकर कंपार्टमेंट के एग्जाम कैंसिलेशन पर भी दोस्तों कुछ अपडेट्स है, तो इस पर भी बात करेंगे। और इस वीडियो के आखिर में दोस्तों हमेशा की तरह आपको जो है कंपार्टमेंट का पेपर का एक पीडीएफ भी देने वाला हूं। तो अगर आपका दोस्तों एक या दो सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है तो इस पीडीएफ को जरूर से जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको पास होने का जो गोल्डन मौका मिला है ये आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसी महीने आपके एग्जाम है, टाइम भी काफी कम बच रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो में बात करें तो कंपार्टमेंट की डेटशीट को लेकर काफी बच्चे लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं। बच्चों को जानना है कि उनका जो है साइंस का पेपर या मैथ वाला पेपर जो है किस डेट को होगा। तो दोस्तों यहां पर आप लोग जो इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं आपका जो है यहां पर टेंटेटिव डेटशीट जो है यहां पर आप लोग क्लिनिकल के सामने आ रहा है। दोस्तों ऑफिशियली डेट शीट जो है आपका सीबीएसई बोर्ड 15 अगस्त से पहले अनाउंस करेगी, लेकिन जो बच्चे जानना चाह रहे थे कि उनका एग्जाम कब से कब के बीच में पड़ेगा, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों एक टेंटेटिव डेट शीट जो है आप लोग क्लिनिकल के सामने आ रहा है कि 10 के बच्चों का कंपार्टमेंट का जो एग्जाम होगा वो एग्जाम जो है आपका किस तरीके से कंडक्ट करवाया जाएगा, कौन सा सब्जेक्ट का पेपर आपका पहले पड़ेगा और किस डेट को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ सकता है। तो सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों यहां पर बताया जा रहा है कि सीबीएसई बोर्ड का जो ऑफिशियली डेट शीट जो आपका आएगा उसमें यह हो सकता है कि सीबीएसई बोर्ड का पहला एग्जाम जो है आपका 23 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो पहला जो है क्लास 10 के बच्चों का एसएसटी का एग्जाम हो सकता है। साथ ही साथ दूसरा जो आपका हो सकता है आपका दूसरा जो है यहां पे साइंस हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है। एक्चुअल डेट शीट जो आएगी वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप लोग यहां से आइडिया ले सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट का अरेंजमेंट किस तरीके से होगा। अब दोस्तों बात करें तो कंपार्टमेंट के एग्जामिनेशन का मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊं, उससे पहले दोस्तों बात करें तो एग्जाम कैंसिलेशन को लेकर दोस्तों अब जो विरोध है वो देश में अब तेज हो चुका है, क्योंकि 3070 दोस्तों एक ऐसा वेटेज है जिसके कारण यानी 3070 लागू होने के कारण काफी सारे बच्चे जो पास हो रहे थे, यानी जो बच्चे पास थे जिनको कंपार्टमेंट नहीं मिलना चाहिए था उनको भी कंपार्टमेंट मिल गया, यानी एक्चुअली में जो बच्चे पास डिजर्व कर रहे थे उन्हें कंपार्टमेंट दे दिया गया है, तो ये जो है इनजस्टिस है। तो इसी के खिलाफ दोस्तों अब एग्जाम कैंसिलेशन की मांग की जा रही है। जब हमारे टर्म में जो है अच्छे नंबर हैं और हमने टर्म टू एग्जाम भी अच्छी तरीके से दिया था, तो फिर हमें कंपार्टमेंट क्यों दे दिया गया। अब इसको लेकर दोस्तों एक नया ट्विस्टिंग एंगल ये भी निकल के सामने आ रहा है, यानी कि कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि कुछ एडवोकेट जो है आपके इसको लेकर पिटीशन को भी दायर कर सकते हैं अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो। दोस्तों अब आप लोग ये नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा एग्जाम कैंसिलेशन की बात दोस्तों कोर्ट तक ले जाना चाहिए या नहीं चाहिए, नीचे जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि छात्र लगातार जस्टिस की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर दोस्तों हम भी जो है सीबीएसई बोर्ड से लगातार जो है ट्वीट के माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग को जस्टिस दी जाए, क्योंकि ये टोटली जो है इनजस्टिस हुआ है 3070 लाकर। जब सीबीएसई बोर्ड के लिए पहले 3070 फेक था तो बाद में सीबीएसई बोर्ड ने क्यों 3070 लाया जब उन्होंने सर्कुलर में 50-50 की बात कही थी। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, बोर्ड हो या जेईई नीट, पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को क्लियर करिए किसी भी समय इन जस्ट 3 स्टेप्स। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके फिलो ऐप को इंस्टॉल करना होगा, मोबाइल नंबर से साइन अप करना होगा, उसके बाद जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है उस क्वेश्चंस की फोटो खींचकर या फिर टाइप करके सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के जस्ट 60 सेकंड के अंदर फिलो आपको कनेक्ट कर देगा इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। तो प्यारे बच्चों जाइए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहां से अपने डाउट को आउट कीजिए। तो दोस्तों काफी सिंपल सा सवाल है और वही हम दोस्तों बात करें तो अगर आपकी कंपार्टमेंट एग्जाम आई है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में आप लोग का सबसे ज्यादा हाई रिक्वेस्टेड जो आपका डिमांड था अकाउंटेंसी को लेकर, यानी अकाउंटेंसी का जो आपका सब्जेक्ट है इसको लेकर आप लोग के डिमांड कि सर कंपार्टमेंट के प्रीवियस ईयर का पेपर मुझे प्रोवाइड करा दीजिए। बार बार मैं आपको हर एक वीडियो में कहता हूं दोस्तों एनसीईआरटी आपके लिए 100% इनफ है, तो एनसीईआरटी को बिल्कुल भी कोई छात्र ना छोड़े, एनसीईआरटी से ही आपका पूरा पेपर बनना है। साथ ही साथ कंपार्टमेंट के प्रीवियस ईयर के पेपर को जरूर शुरू करिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो कंपार्टमेंट के प्रीवियस ईयर का पेपर दोस्तों आज जो है अकाउंटेंसी का आपको प्रोवाइड कराने वाले हूं। इसके साथ साथ जो बच्चे हमारे चैनल पर नए आए हैं उनको मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। साथ ही साथ 10 में जो है आपको मैंने मैथ प्रोवाइड करा दिया है, साइंस प्रोवाइड करा दिया है, अब एसएसटी बच रहा है तो वो मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका कोई अलग सब्जेक्ट को लेकर डिमांड है तो नीचे जरूर से कमेंट करिएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं ये सारी चीजें यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और साथ ही साथ मैथ साइंस और आज का जो आपको पीडीएफ मिलेगा ये सारी पीडीएफ आपको कहां मिलेगी, तो इसी वीडियो के जो है दोस्तों आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर जो है आपको पेपर पीडीएफ डाउनलोड करके टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो वहां पर जाके आप लोग
जो है सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चे फिर कमेंट में पूछते हैं कि सर पीडीएफ कहां से डाउनलोड करना है, तो मैं आपको फिर से बता दूं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर जो है कमेंट में आपको पेपर पीडीएफ लिंक करके टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पर मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा और ये सारी पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएगी जो मैं आपको पहले प्रोवाइड करा चुका हूं। तो मिलते हैं दोस्तों, आप लोग बस तैयारी करते रहिए, आपके लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि जस्टिस आपको दिलवाना हमारा लक्ष्य है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा, जय हिंद।